किसी वस्तु का चंद्रमा का भाग है। आज का टॉपिक है किसी वस्तु पर चंद्रमा का भार। पृथ्वी पर किसी भी वस्तु का जो भार होता है वह बल है जो पृथ्वी और उस वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसी प्रकार विमान चंद्रमा पर जो कोई वस्तु पड़ी है उस वस्तु को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। तो यहाँ पर अपन ये कहेंगे जो चंद्रमा का जो द्रव्यमान होता है पृथ्वी के द्रव्यमान से क्या होता है, कम होगा, क्योंकि जो पृथ्वी पर जो द्रव्यमान लगता है वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण लगता है और चंद्रमा पर जो बल होगा वो कम है। तो यहाँ पर अपन ये पढ़ेंगे मान की कोई भी है कि वस्तु का द्रव्यमान जिसे अपन स्मॉल एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोई भी वस्तु है तो वस्तु का जो द्रव्यमान होगा वो स्मॉल एम होगा तथा जो चंद्रमा पर इसका जो द्रव्यमान है कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको एम यानी वस्तु का द्रव्यमान तो स्मॉल एम से और चंद्रमा का जो द्रव्यमान होगा कैपिटल एम और इसको एम यानी मून। इसी तरह चंद्रमा का जो भार इसको कैपिटल डब्ल्यू और यहां पर एम लगा देंगे, इसका मतलब हो जाएगा एम यानी मून यानी चंद्रमा के लिए है तो भार चंद्रमा की त्रिज्या से कैपिटल आर से, लेकिन यहां पर अगर चंद्रमा के लिए ले रहे तो एम। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं चंद्रमा का जो भार हो जाएगा चंद्रमा पर वस्तु का भार तो W M बराबर जो गुरुत्वाकर्षण का जो सार्थक नियम पढ़ा था वो अपने पास याद था कि F बराबर कैपिटल G M स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर, जिसे अपन एफ बराबर डब्ल्यू कर रहे थे तो इससे अपन सार्थक गुरुत्वाकर्षण से लेंगे तो डब्ल्यू एफ बराबर जी यहां पर कैपिटल एम चंद्रमा का जो द्रव्यमान लेंगे एम और स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। समीकरण नंबर एक ये तो चंद्रमा के लिए, अब किसी वस्तु का चंद्रमा का भार तो अब इसका जो कंपैरिजन करेंगे अपन धरती के लिए करेंगे अर्थ के लिए करेंगे तो जो पृथ्वी पर वस्तु का भार पृथ्वी के लिए जो वस्तु का भार होगा वो ये होगा W E एन अर्थ बराबर जी कैपिटल एम स्मॉल एम स्मॉल। यहाँ पर तो मून के लिए तो एम रिप्रेजेंट करते हैं लेकिन पृथ्वी के लिए कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। ये समीकरण नंबर दो। समीकरण एक व दो से दो से
समीकरण एक यानी द्रव्यमान का फॉर्म, जिस अपन जिसका वस्तु का भार ज्ञात करते हैं उसे ऊपर लेते हैं, जैसे WM/WP बराबर G कैपिटल M स्मॉल m कोण R स्क्वायर, G कैपिटल M F कोण R स्क्वायर। इसमें से G से G कैंसिल हो जाएगा, स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा। बराबर तो अपने पास कैपिटल M अपॉन R, ये R स्क्वायर ऊपर चलेगा, R स्क्वायर अपॉन M और ये R स्क्वायर M कैपिटल M। इसका जो मान होता है वो होता है 7.36 इंटू 10^22 और जो ये चंद्रमा का जो त्रिज्या है वो भी फिक्स होती है 1.74 × 10^6। इसी तरह अर्थ के लिए यानी जो पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो होता है यानी M बराबर 5.98 × 10^24 और पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो भी फिक्स है 6.37 × 10^6। ये सब मान इसमें रखते हैं। WM/WE बराबर कैपिटल M का मान ये 7.36 × 10^22, R का मान ये वाला × 6.37 × 10^6 × 6.37 × 10^6। इसी तरह कैपिटल M का मान 5.98 × 10^24 × कैपिटल M यानी जो पृथ्वी जो चंद्रमा की त्रिज्या है यानी 1.74 × 10^6 × 1.74 × 10^6। अब जो 10 की जो घात है उसको एक तरफ कर लेंगे यानी WM/WE बराबर तो 7.36 × 6.37 × 6.37 5.98 × 1.74 × 1.74 × 10^22 प्लस 6 + 6। जो नीचे की जो पावर होती है 10^10 ऊपर जाने पर माइनस में कन्वर्ट हो जाती है यानी −24 − 6 − 6। 6 से 6 कैंसिल हो जाएंगे और 22 में से −24 कैंसिल करेंगे तो अपने जो बचेगा तो −2 बचता है। WM/WE यानी 7.36 × 6.37 × 6.37 5.98 × 1.74 × 1.74 × 10^-2 क्योंकि यहाँ से अपन लेंगे 6 से 6 कैंसिल, ये 6 से 6 कैंसिल और −24 से अगर 22 घटाते हैं तो अपने पास क्या −2 बचते हैं। अब इनको सोल्व करने के बाद अपने जो आंसर आता है यानी डब्ल्यू
एम अपॉन डब्ल्यू ई बराबर ये आता है सोल्व करने पर 0.165। या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं डब्ल्यू एम अपॉन डब्ल्यू ई बराबर जो होगा 1/6 यानी चंद्रमा और पृथ्वी का जो द्रव्यमान है जितना भार होगा वो 1/6 गुना का होगा। यानी आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं वस्तु का चंद्रमा का भार तो वहां पर तो कितना हो जाएगा 1 क्योंकि यहाँ पर वस्तु का ले रहे चंद्रमा के ले रहे तो 1 हो जाएगा। अगर ये वस्तु अगर अपन पृथ्वी पर ले यानी वस्तु का जो भार है पृथ्वी का भार जो लिखेंगे पृथ्वी पर भार होगा वो कितना हो जाएगा 6। तो अपने पास जो बनता है यानी 6 गुना हो जाएगी पृथ्वी पर उसके जो वजह तो यानी वस्तु का जो चंद्रमा का भार और वस्तु का पृथ्वी पर भार 1/6 होता है।